आज हम लोग जा रहे हैं मांडा की गुफाएं देखने, जो कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित हैं तथा हमारे यहाँ जयंत से 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ते ही सबसे पहले हमको ये खूबसूरत सा पहाड़ दिखा और फिर 30-30 रुपए की टिकट लेकर हम सभी लोग इस क्षेत्र के अंदर आ गए और देखने में यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। घूमने के पर्पज से यह बहुत अच्छी जगह है। हम और हमारे सभी मित्र यहाँ आकर के खूबसूरत चीज़ों का लुत्फ उठाने में लग गए। इधर उधर बेहतरीन चीज़ों का दृश्य देखते हुए से कई अचंभित कर देने वाली चीज़ें दिखीं। अभी देख सकते हो यहाँ कितने खूबसूरत नज़ारे हैं और इसी नज़ारों के बीच हम लोग भी इधर उधर देख रहे थे, घूम रहे थे, जिसमें से ये सुंदर सा तालाब भी दिखा और उसके बाद ये सुंदर सा घर जहाँ यहाँ रहने का मन करता है। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले बोटिंग करने का विचार बनाया। जैसे ही हमने बोटिंग करने शुरू की उसके कुछ समय पश्चात ही बारिश होने लगी। हम तुरंत वापस आकर के हमने सबसे पहले अपने फ़ोन वापस किए और कुछ हमारे मित्र जो थोड़ा सा कमज़ोर थे दिल के वो तुरंत उतर कर वापस। उसके बाद बारी आती है कुछ खतरनाक स्टंट की, जो हम लोगों ने भी करने में कोई कसर नहीं रखी, ताकि इंजॉय पूरा होना चाहिए। थोड़ा डर लग रहा था फिर भी हमने हिम्मत करके सही सलामत वापस आने के बाद हमने भगवान को धन्यवाद किया, क्योंकि हम लोग बिना सेफ्टी बेल्ट के गए थे। उसके बाद बारी थी गुफाओं को देखने की। ये गुफाओं देखकर हमको काफ़ी आश्चर्य हो रहा था कि इसको बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी और कुछ कलाकारियाँ भी इनके पत्थरों में की गई थी। अभी कुछ स्टंट बाकी रह गए थे, हमने उनको छोड़ना उचित नहीं समझा, ताकि गुफाओं को देखने का और रस्सी पर चलने का पूरा पूरा आनंद लिया, ताकि किसी प्रकार के आनंद की कमी न रह जाए। उसके बाद बात आती है अंत में झरने में नहाने की। इसमें तो सबसे ज़्यादा मज़ा आया, फुल पैसा वसूल था हमारी ट्रिप पर। तो आप सभी